अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट लवर्स। आज एशिया कप का आखिरी सुपर फोर का मैच हुआ है अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान, जिसकी मैं कंप्लीट हाइलाइट्स और दोनों इनिंग्स की हाइलाइट्स आप तक लेके आऊँगा। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का ये मैच दोस्तों एक तरह का एक फ्रेंडशिप मैच लग रहा था, जिसमें अफगानिस्तान की तरफ से आज मैच में कोई भी जान नजर नहीं आई। किसी भी मौके पे ऐसा नहीं लगा कि अफगानिस्तान जैसे ये मैच जीतना चाह रहा हो। ऐसे लग रहा था कि ये वन साइडेड मैच इंडिया ही खेल रहा है, चाहे पहले इंडिया की बैटिंग थी या बाद में इंडिया ने जो बॉलिंग की है। ऐसा ही लग रहा था कि अफगानिस्तान जिस तरह ये पूरी कोशिश से ये मैच हार रहा है। तो अगर हम मैच का देखें, अगर मैच की तरफ बढ़ें, तो इस मैच में इंडिया की टीम जिसने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और पहले 6 ओवर में ही इंडिया 60-70 रन के करीब जा चुका था इंडिया की तरफ से ओपनिंग। आज विराट कोहली और के आर राहुल ने की, दोनों ने 100+10 दिया अपनी टीम को। अगर KR राहुल का देखा जाए तो KR राहुल 62 रन बनाए 41 बालों पे, जिनमें उन्होंने 2 छक्के और 6 चौके लगाए। एक ऐसा आसान कैच KR राहुल का बाउंड्री पे फील्डर पे छोड़ा के, जो कि दोनों हाथों से लेना चाहते तो बड़ी आसानी से ले सकते थे, लेकिन एक हाथ से लेने की जिस तरह कोशिश ही ना की हो फील्डर ने, बिल्कुल एक आसान कैच ड्राप किया KR राहुल का। उसके बाद एक अच्छी जो चीज़ रही इंडिया के लिए, विराट कोहली जो एक बहुत अरसे से आउट ऑफ फॉर्म थे, कोई अच्छी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे थे, आज विराट कोहली ने सेंचुरी स्कोर की, पहली सेंचुरी विराट कोहली की T20 क्रिकेट में। 122 रन बनाए 61 बालों पे, 6 छक्के लगाए और 12 चौके लगाए। विराट कोहली का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 2200 का रहा। सूर्य कुमार यादव जो आज इतना ज़्यादा रन नहीं बना पाए, 6 रन बनाए 2 बालों पे, और राशिफ पेंट जिन्होंने 20 रन बनाए, 16 बॉल का सामना किया, 3 चौके लगाए। तो इस तरह इंडिया की टीम 20 ओवर में 212 रन बना पाई और उसके 2 खिलाड़ी आउट हुए। अगर बॉलिंग में देखा जाए तो आज जम के पटाई की है इंडियन बैट्समैनों ने अफगानिस्तान के बॉलर्स की। आज कोई भी बॉलर कर बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आ रहा था, कोई भी बॉलर ऐसा नहीं लग रहा था कि जो जिस तरह कोई विकेट लेने की कोशिश कर रहा हो। इवन राशिद खान जो कि एक प्राइम बॉलर हैं, जो जिनका एक नाम है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के लीग्स उन्हें बड़े अच्छे दामों में लेती हैं, लेकिन वो भी आज बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आए। तो अगर पूरी बॉलिंग देखी जाए तो फारूकी इन्हें 4 ओवर में 51 रन दिए, मुजीब ने 4 ओवर में 29 रन दिए, और फरीद अहमद जिन्होंने 4 ओवर में 57 रन दिए, 14.20 के ओपन में रहा उनका। राशिद खान ने 4 ओवर में 33 रन दिए, नबी ने 3 ओवर में 34 रन दिए, जबकि अजमतुल्ला ने 1 ओवर किया 8 रन दिए। इसके बाद जब अफगानिस्तान की टीम बैटिंग करने के लिए आई तो ऐसे लग रहा था कि जैसे खुद विकटें दे रही हो, बिल्कुल सीधी बॉलें पे लेग भी फोर होते रहे। खिलाड़ी अजरतुल अजहर रही जो बिल्कुल एक सीधी बॉल पे लेग भी फोर हुए, रहमतुल्लाह गुलबाज भी 0 पे आउट हुए, इब्राहिम जरदान जिन्होंने 64 रन बनाए अकेले ही खेलते रहे, 50 बॉलों का 59 बॉल्स पे 4 चौके 2 छक्के लगाए, 108 का स्ट्राइक रेट। करीम जन्नत ने 2 रन बनाए, नजीब जरदान ने कोई रन नहीं बनाया, मोहम्मद नबी ने 7 रन बनाए, अजमतुल्लाह उज़ई ने 1 रन बनाया, राशिद खान ने 15 रन बनाए, जबकि मुजीबुर रहमान ने 18 रन बनाए जिसमें उन्होंने 1 छक्का भी लगाया, और फरीद अहमद मलिक जिन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया। अगर बॉलिंग का देखा जाए इंडिया का, तो इंडिया के बॉलर अश्विन कुमार ने 4 ओवर में 1 मिडन किया, 4 रन दिए और 5 विकेट आए। आज ऐसा लग रहा था कि जैसे अश्विन कुमार दुनिया के मोबाइल बॉलर हैं, जिससे कोई बैट्समैन खेल ही नहीं पाता। उनकी बॉलिंग जो कि बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, या ये भी कह सकते हैं कि एक सीधी बॉलिंग जिसपे रानी प्लेयर जो कि उस तरह नहीं खेल पाए।
दीपक चार ने 4 ओवर में 28 रन दिए, कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया। अर्शदीप सिंह ने 2 ओवर में 7 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 24 रन दिए। यशवंत ने 4 ओवर में 27 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया। दीपक कोंडा ने भी 1 ओवर किया, 3 रन दिए। और दानिश कार्तिक ने 1 ओवर में 18 रन दिए। तो ये था आज का वन साइडेड मैच, जो कि आसानी इंडिया की टीम ने जीत लिया। तो दोस्तों ये था आज का मैच, आपको ये मैच आज का कैसा लगा के बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर मेरी राय इस मैच के बारे में पूछें तो ये ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया की टीम ही सिर्फ खेलने के लिए आई है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब के लिए खुदा हाफिज़।